राजधानी देहरादून में अगस्त के महीने की शुरुआत होते ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की जोरों पर होने लगी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं जिला प्रशासन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट गया है और इन्हीं तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य विभागों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हर साल की तरह परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था और जो मेन डिपार्टमेंट्स है जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटीज से और उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी।